3 में होने वाली भाजपा की युवा हुंकार रैली को लेकर सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। रैली ऐतिहासिक होगी। बुधवार शाम को पार्टी के कई आला नेताओं ने जींद के रैली स्थल पर पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया। भाजपा नेताओं को रैली में लाखों की संख्या में कार्यकर्ताओं के पहुँचने की उम्मीद है। सही तरीके से सप्लाई करेंगे। कर्जा पीछे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मेरे को ओबीसी मोर्चा का कार्यकर्ता नाता के नाते होने के कारण और अभी अभी पिछले समय हरियाणा सरकार ने मुझे केश कला एवं कौशल विकास बोर्ड का वाइस चेयरमैन बनाने की जिम्मेदारी के साथ साथ कल जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी की बाइक रैली की एक ऐतिहासिक रैली यहाँ होने के लिए जा रही है, उसमें ओबीसी मोर्चे को जल की व्यवस्था की सेवा करने का मौका दिया गया है। अमित सब लोग ओबीसी मोर्चा के सभी कार्यकर्ता यहाँ एकत्रित हुए और अपने अपनी जिम्मेदारी का बांटने का काम किया और कल सभी लोगों को जल की व्यवस्था में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो। ओबीसी मोर्चा का हर एक कार्यकर्ता अपनी पूरा दायित्व निभाएगा और हम ये मैं ये कहना चाहता हूँ कि ओबीसी मोर्चा
भारतीय जनता पार्टी को हर तरह से मजबूती करने का काम करेगा, क्योंकि जितने इज्जत मान सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी मोर्चों को दिया है या ओबीसी के लोगों को राजनीति के में प्रतिनिधित्व दिया है, इतना किसी पार्टी ने भी नहीं दिया। और हम रैली के बाद भी हरियाणा के हर गांव में हर क्षेत्र में जाकर अपने सभी लोगों को भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ने का काम करेंगे। जय हिंद, जय भारत। इन लोग तो यही पैदा हुए, यही सब कर रहे हैं। अब हम लोग को ढाई साल फोटोग्राफरों आपको तो क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह की तैयारियां चल रही हैं? देखिए, हमारा सोनीपत जिला क्योंकि दीन का लगता हुआ जिला है और सोनीपत जिले से भारी संख्या में नौजवानों की टीम यहाँ पर बाइक पर सवार होकर आने वाली है। तो हमने जींद से लेके और गोहाना तक की जो सोनीपत की रोड की जो व्यवस्था है, ये आज इसका अवलोकन किया है और रैली स्थल तक आए हैं। और बीच में जितने भी गांव में टायर पंचर की दुकानें, मोबाइल ऑटोमोबाइल की रिपेयर की दुकानें हैं, हम उनसे अपील करते आए हैं कि वो कल खुला रखें। और मोबाइल टायर पंचर की व्यवस्था भी हमारे कारीगर ने कर रखी है, उनसे भी हमने अपील की है कि वो मोबाइल रहे, जहाँ कहीं भी किसी बाइकर्स की बाइक को पंचर वगैरह हो जाए तो उसी टाइम उसको ठीक करके उसको रनिंग में ले आए, ताकि किसी को कोई समस्या ना हो। क्योंकि हरियाणा के हर कोने से यहाँ पर नौजवान आने वाले हैं और मुझे इस बात की खुशी है कि हमारे यहाँ पर की जो व्यवस्था है, ये हमारे ओबीसी मोर्चे की व्यवस्था है। और मैंने देखा है कि सारे हरियाणा के ओबीसी मोर्चे के पदाधिकारी यहाँ पर निष्ठा के साथ अपनी ड्यूटी में लगे हुए हैं और पूरी व्यवस्था चाक चौबंद है। और ये हरियाणा के इतिहास में नहीं बल्कि हिंदुस्तान के इतिहास में मैं कहूँगा कि युवाओं का एक सबसे बड़ा एक समूह जिसको संबोधित करेंगे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी, यहाँ पर जींद में ये एक इतिहास बनाएगा। क्योंकि आज का युवा जो है ना, वो जातिवाद की तरफ देखता है, ना क्षेत्रवाद की तरफ देखता, ना कोई संगठनवाद की तरफ देखता, वो केवल राष्ट्रवाद की तरफ देखता है। उसकी निष्ठाएँ मोदी जी की राष्ट्रवादी नीतियों से जुड़ चुकी हैं और अमित शाह का संदेश सुनने के लिए यहाँ पर सारे हरियाणा का युवा का रैली में शामिल होने के लिए जा रहा है। तो यहाँ की व्यवस्था को देख के मुझे खुशी है कि चाक चौबंद व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था, बैठने की व्यवस्था, पार्किंग की व्यवस्था पूरी तरह से सुचारू रूप से हमारा संगठन के कार्यकर्ता लगे हुए। विशेष तौर पर यहाँ जो जल की व्यवस्था है वो ओबीसी मोर्चे की ड्यूटी लगाई है और उसमें पूरे हरियाणा प्रदेश के ओबीसी मोर्चे के पदाधिकारी निष्ठा के साथ यहाँ पर लगे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह की हुंकार रैली को लेकर जींद में तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। जहां तैयारियों को देखते हुए सुरक्षा पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, वहीं दूसरी तरफ लाखों बाइक क्रॉस के आने की सुविधा
उपलब्ध कराई गई हैं। यहाँ लगभग 125 एकड़ में पार्किंग की सुविधा उपलब्ध कराई गई है, और जहाँ इतने लोगों के बैठने की बात की जाए तो वहाँ पर पुरुषों के लिए अलग से बैठने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है, और वहीं दूसरी तरफ महिलाओं के लिए अलग से सुविधा उपलब्ध कराई गई है। और इन्हीं तैयारियों का जायजा लेते हुए खुद CM खट्टर ने आकर यहाँ पर शिरकत की, और दूसरी तरफ उन्होंने पूरी तरह से सुरक्षा के इंतजाम को देखते हुए यह कहा कि यह रैली हरियाणा की सबसे सफल रैली होने वाली है। जींद से K9 मीडिया के साथ नवीन मलिक। जींद से K9 मीडिया के लिए राजेंद्र कुमार के साथ विकास मलिक की रिपोर्ट। ऑडियो जंग।